चित्रा डर से कांपते हुए हकलाहट के साथ कहती है, ये पेंटिंग तो। चित्रा उस पेंटिंग को देखकर इतना डर गई थी कि इसके आगे कुछ और नहीं बोल पा रही थी। वो एक डर के साथ उस पेंटिंग को ही देखे जा रही थी बस। अनुराग हैरानी के साथ चित्रा से पूछता है, चित्रा क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो इस पेंटिंग को देखकर? चित्रा पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, वो कांपते हुए उस पेंटिंग को देखते रहती है। युग ने जो पेंटिंग बनाई थी वो क्रेयॉन कलर से बनी हुई थी। उस पेंटिंग के अंदर एक नदी थी और नदी के पास ही धुएं की तरह एक काला साया खड़ा हुआ था। साथ में उस पेंटिंग में एक बच्चा भी बना हुआ था। उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने रात को युग को जिस काले साये के साथ देखा था, हूबहू युग ने वैसा ही सीन बना दिया था। बस उसमें फर्क इतना था कि उसमें कहीं भी चित्रा नहीं थी, बस एक बच्चा था जो एक धुएं से बने साये को नदी के पास खड़ा हुआ देखे जा रहा था। युग फिर चित्रा से पूछता है, मम्मा बताइए ना मेरी पेंटिंग कैसी लगी आपको? चित्रा इस बार भी कुछ नहीं कहती है, वो पेंटिंग को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अनुराग चित्रा को देखकर समझ गया था कि चित्रा कुछ नहीं कहने वाली थी, इसलिए युग का मन रखने के लिए वो ही उसकी पीठ थपथपाते हुए बोल पड़ता है, शाबाश युग बेटा, आपने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, ऐसे ही पेंटिंग बनाते रहो। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता युग, ये कैसे? अनुराग चित्रा को घूरते हुए कहता है, ये तुम क्या बोले जा रही हो चित्रा, तुम ठीक तो हो ना? चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग ये नहीं बना सकता, नहीं बना सकता युग ये। अगले ही पल चित्रा युग को हिलाते हुए कहती है, युग बेटा ये पेंटिंग क्यों बनाई तुमने? युग मासूमियत के साथ जवाब देता है, वो माँ स्कूल में आज जो ड्राइंग क्लास थी ना वहीं पर मैंने ये पेंटिंग बनाई। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ घबराते हुए कहती है, वो तो ठीक है युग बेटा, पर ये पेंटिंग ही क्यों? और ये इस पेंटिंग में धुएं की तरह जो साया है वो क्या है युग बेटा? चित्रा को इतना घबराते हुए देख युग भी डर गया था, वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। चित्रा युग का हाथ कसकर पकड़ती है और उस पर दबाव बनाते हुए फिर अपनी बात दोहराती है, तुम चुप क्यों हो युग, बोलो ये धुएं की तरह क्या है, कौन है ये? युग डरते हुए कहता है, पता नहीं माँ, वो तो मैंने इसे ऐसे ही बना दिया। चित्रा गुस्से के साथ कहती है, पता नहीं तो फिर ये क्यों बनाया तुमने? युग कुछ कहता उससे पहले ही अनुराग चित्रा पर चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो चित्रा, युग पर क्यों चिल्ला रही हो, पागल हो गई हो क्या? भूलो मत वो अभी एक छोटा सा बच्चा है, बना दी होगी ऐसे ही पेंटिंग, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? चित्रा कहती है, बात है अनुराग, क्योंकि ये पेंटिंग बिल्कुल मेरे सपने से। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है। अनुराग की कुछ बातें और चेहरा देखकर ही वो समझ गई थी कि अनुराग उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाला था, उल्टा उसे ही पागल समझने वाला था, इसलिए अपने मन की बातें वो अपने मन में ही रखती है, अनुराग से कुछ नहीं कहती है। चित्रा युग के हाथ से वो स्केचबुक लेती है और उसे ही देखते हुए बड़बड़ाती है, युग ये कैसे बना सकता है, कैसे? यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा उस कमरे से बाहर चली जाती है। चित्रा के जाने के बाद ही युग डरते हुए अनुराग से कहता है, पापा पापा मम्मा को क्या हुआ है? अनुराग बड़े प्यार से युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ युग बेटा, आपको पता है ना आपकी मम्मा दिन भर कितना काम करती है, तो वो बेचारी थक जाती है, इसलिए वो कुछ भी कह रही थी, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो, आपकी मम्मा कुछ देर आराम करेगी तो देखना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। युग खामोशी रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। अनुराग युग का ध्यान भटकाने के लिए तुरंत बोल पड़ता है, युग बेटा आप ना ये सब छोड़ो, आप तो मुझे ये बताओ और क्या क्या हुआ आपके स्कूल में आज, क्या क्या मस्ती करी आपने? युग खुश होते हुए कहता है, आपको पता है पापा, आज ना कछुए को टीचर ने मुर्गा बनवा दिया था, वो होमवर्क करके नहीं आया था। तो इतना कहकर युग अनुराग को बताने लग जाता है कि उसके साथ स्कूल में क्या क्या हुआ था। एक तो चित्रा पहले से ही परेशान थी अपने पैर पर बने उस हाथ के पंजे के निशान के कारण, ऊपर से युग की वो पेंटिंग देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गई थी, उसके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, आखिर युग ने वो पेंटिंग कैसे बना दी थी। चित्रा रात भर परेशान रहती है जिस कारण उसको रात में ठीक से नींद नहीं आती है। एक पल के लिए उसकी आंख लगती थी तो अगले ही पल खुल जाती थी नदी के पास वाला हादसा याद करके। रात से कब सुबह हो जाती है चित्रा को वक्त का पता ही नहीं चलता है। जब सुबह होती है तो वो इतना तो समझ जाती है कि अगर वो पुरानी बातों के बारे में ही सोचती रहेगी तो परेशानी होती रहेगी, खुशी के साथ जी नहीं पाएगी, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि कुछ सवालों के जवाब ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्रा उस हादसे को भुलाने की कोशिश करने लग जाती है, खुद ही ऐसा मान लेती है कि उसके साथ जो भी हुआ था वो बस एक सपना था, कोई हकीकत नहीं। चित्रा खुशी खुशी वापस से काम करने में लग गई थी। चित्रा किचन के अंदर थी और अभी अभी उसने दूध का भगोना गैस पर चढ़ाया था, वही गर्म हो रहा था।
चित्रा दूध के भगोने में चाय पत्ती डालते हुए खुद से कहती है, गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद पेंटिंग करने बैठती हूँ। सारे काम हो गए, अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। क्लाइंट को वो पेंटिंग भी वक्त पर देनी है, वरना एडवांस वापस करना पड़ेगा। यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा चाय बनाने लग जाती है। चाय के सारे इंग्रेडिएंट चित्रा ने दूध में डाल दिए थे और अब बस वो उसके पकने का इंतजार कर रही थी। चित्रा चाय की महक सूंघते हुए कहती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, एकदम कड़क चाय बन रही है। चित्रा चाय को पकते हुए एकटक देख ही रही थी कि तभी कमरे की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। चित्रा कमरे में लगी लाइट की तरफ देखते हुए कहती है, ये लाइट को क्या हो गया? चित्रा के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। कमरे की लाइट तेजी के साथ बंद चालू हो रही थी। लाइट बंद चालू होने के साथ ही एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। चित्रा कुछ समझ पाती कि हो क्या रहा है, तभी उसे एक डरावनी फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, चित्रा चित्रा। कोई डरावनी आवाज में चित्रा का नाम पुकार रहा था। इस आवाज को सुनकर चित्रा की रूह कांप जाती है। चित्रा हकलाहट के साथ कहती है, कौन है, कौन है? चित्रा को फिर वही आवाज सुनाई देती है, चित्रा चित्रा। चित्रा समझ गई थी कि आवाज पीछे से आ रही थी। चित्रा डरते हुए पीछे देखने लग जाती है। जब चित्रा पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था, बस एक खाली दीवार थी जिस पर लाइट की रोशनी बार बार आ रही थी और जा रही थी, लाइट बंद चालू होने की वजह से। चित्रा खुद से कहती है, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे कौन पुकार रहा था? चित्रा एकटक दीवार को देख ही रही थी कि तभी उसे दीवार पर एक परछाई बनती हुई नजर आने लग जाती है। पहले तो वो परछाई छोटी सी थी, पर देखते ही देखते उसका आकार बढ़ने लग जाता है और वो परछाई एक साए का रूप बदलने लग जाती है। वो परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसे युग ने अपनी पेंटिंग में बनाई थी, जो चित्रा को घाट पर नजर आई थी जिसका पीछा युग कर रहा था। उस परछाई को देखकर चित्रा के हाथ पैर डर से थरथर कांपने लग गए थे। चित्रा डरते हुए उस परछाई को देख ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि दीवार पर बनी परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लग जाती है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो परछाई धुएं का रूप लेकर दीवार से बाहर आ रही हो। चित्रा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो पसीने से पूरी तरह लथपथ हो चुकी थी। वो धुएं से बनी परछाई पूरी तरह दीवार से बाहर आ चुकी थी। चित्रा को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई उसके साथ ही उस कमरे में मौजूद हो। चित्रा बड़ी हिम्मत के साथ अपने डर को भुलाते हुए कहती है, कौन हो तुम? एक गुस्से से भरी डरावनी आवाज सुनाई देती है, तेरी मौत। चित्रा हकलाते हुए कहती है, मौत? फिर डरावनी आवाज सुनाई देती है, हाँ मौत। इसी के साथ चित्रा के चारों तरफ आग लगने लग जाती है। कमरा धीरे धीरे जलने लग जाता है। चित्रा देखती है कि कमरे के चारों तरफ आग लगने लग गई थी। चित्रा को कमरे के अंदर गर्माहट महसूस होने लग गई थी। चित्रा को अपनी मौत नजर आने लग जाती है। देखते ही देखते धुएं से बना साया चित्रा के पास जाने लग जाता है। चित्रा डरते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं। वो साया चित्रा को छूने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और हाथ लंबा करके चित्रा को छूने लग जाता है। वो छाया चित्रा को छूने ही वाला था कि तभी चित्रा अपने कदम पीछे खींच लेती है। चित्रा जैसे ही अपना कदम पीछे खींचती है उसका हाथ जलने लग जाता है और वो कसकर चीखती है, आ! इसी चीख के साथ चित्रा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जो डरावनी आवाजें और आग के जलने की आवाज कमरे में सुनाई दे रही थी वो अब चित्रा को सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ पल आंखें बंद करके खड़ी रहती है, पर फिर जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि कमरे में आग नहीं लगी थी। उसके साथ अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब उसका वहम था। चित्रा देखती है कि चाय पूरी तरह उलट चुकी थी और उसने गर्मा गर्म भगोने को अपने हाथ से छू लिया था जिस कारण उसकी उंगली जल गई थी। उंगली जलने की वजह से उसका भ्रम टूट गया था और वो अपने ख्याल में से बाहर आ गई थी। चित्रा अपनी उंगली देखते हुए कहती है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं उस साए को जितना भुलाने की कोशिश कर रही हूँ वो उतना मेरे ख्यालों में आ रहा है। चित्रा खुद से बड़बड़ाती है, भूल जा चित्रा, भूल जा उस साए को, वो बस तेरे वहम में है, हकीकत में नहीं। चित्रा खुद के मन को तसल्ली देते हुए वापस से अपने कामों में लगने की कोशिश करने लग जाती है, पर उसका मन उसके बाद किसी भी काम में ढंग से नहीं लग पाता है। रात हो चुकी थी। चित्रा अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रही थी पर सो नहीं पा रही थी। वो बार बार अपनी करवटें बदलते जा रही थी। चित्रा के बगल में ही युग था जो बड़े आराम से गहरी नींद में सो रहा था। चित्रा एकटक नजर से अपने सिर के ऊपर लगे पंखों को देख रही थी और उसे देखते हुए काफी वक्त से सोने की कोशिश कर रही थी पर सो नहीं पा रही थी।
उसके मन में बार बार चाय बनाते वक्त में जो उसे भ्रम हुआ था वो याद आ रहा था, जिस कारण आंख बंद करते ही बार बार उसकी आंखें खुल रही थी। करवटें बदलते बदलते ही कब रात से सुबह हो जाती है, चित्रा को पता ही नहीं चलता है। सुबह होने का एहसास तो उसे तब होता है जब उसकी दीवार पर लगी घड़ी में नजर पड़ती है। चित्रा दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये क्या 5:30 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, दिन निकलने का वक्त आ गया, मुझे नहीं लगता मुझे नींद आने वाली है। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, एक काम करती हूँ, अब नींद नहीं लग रही है तो चाय बनाती हूँ और उसके बाद घर के काम करने बैठती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी पेंटिंग करने बैठ सकूं। इतना कहकर चित्रा बेड पर से उठती है और किचन की तरफ जाने लग जाती है। जब चित्रा किचन में पहला कदम रखती है तो एक पल के लिए उसे वापस से वो घटना याद आने लग जाती है जो उसके साथ सुबह घटी थी। उसे याद आता है कि किस तरह कमरे में चारों तरफ आग लग गई थी। चित्रा उस हादसे को भुलाने की कोशिश करने लग जाती है। चित्रा खुद से कहती है, वो सब मेरा भ्रम था और कुछ नहीं, भूल जा चित्रा उस बात को और आगे बढ़। इतना कहकर चित्रा चाय का पतीला गैस पर चढ़ा देती है। चित्रा उसमें दूध ही निकाल रही थी कि तभी उसे अनुराग की कहानी की वो बातें याद आने लग जाती हैं जो अनुराग ने कहानी सुनाते वक्त उससे कही थी। वो औरत अपने किचन के अंदर चाय बना रही थी। चित्रा के कानों में बार बार यही बात अनुराग की आवाज गूंज रही थी। चित्रा खुद से कहती है, उस दिन अनुराग ने जो मुझे कहानी सुनाई थी उसमें भी तो वो औरत किचन के अंदर थी और चाय ही बना रही थी। चित्रा अपने दिमाग पर और जोर देते हुए अनुराग की बातों को याद करते हुए हैरानी के साथ कहती है, और तो और उस कहानी में भी तो वो औरत आखिर तक कंफ्यूज रहती है कि किचन के अंदर उसके साथ जो हुआ था वो उसका भ्रम था या हकीकत। चित्रा अपने हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस औरत की तरह मैं भी तो कंफ्यूज ही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ था वो कोई हादसा था या मेरा भ्रम। इसका मतलब अनुराग की कहानी में जो औरत थी वो मैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।